दोस्तों ज्यादातर डीवी एक्ट का केस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस पत्नी द्वारा केवल और केवल पति पर ससुराल वालों पर प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है, उनसे बदला लेने के लिए किया जाता है, उनको लीगली हरेस करने के लिए किया जाता है और पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है। क्योंकि डीवी केस कोई प्रॉपर क्रिमिनल केस नहीं होता, ऐसे में पत्नी जो कहती है, पत्नी जो भी स्टेटमेंट देती है, उसकी इंक्वायरी किए बिना, उसकी इन्वेस्टिगेशन किए बिना उसे मान लिया जाता है और पति पक्ष पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पर अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और पत्नी ने बेवजह ही आपको डीवी के केस में घसीट दिया है, आरोपी बना दिया है, तो आप ना केवल उसका डीवी केस में इंटरिम मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं बल्कि डीवी केस को जड़ से ही खत्म करवा सकते हैं और इसके लिए आपको हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी आपने वीडियो को मिस नहीं करना है, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पीयूष मित्तल और आप देख रहे हैं लीगल गुरुकुल, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीवी एक्ट के केस को लेकर लोगों में अभी भी काफी कंफ्यूजन है। डीवी एक्ट के होने पर पति पक्ष घबरा जाता है कि कहीं डीवी एक्ट के केस में उसे अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा या कहीं उसे डीवी एक्ट के केस में पनिशमेंट यानी कि सजा तो नहीं हो जाएगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डीवी एक्ट का केस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस 498 केस की तरह क्रिमिनल केस नहीं होता और डीवी केस में ना तो कोई अरेस्ट होता है और ना ही कोई पनिशमेंट होती है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर की कभी भी वायलेशन नहीं करनी, कभी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच नहीं करना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस क्रिमिनल केस नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस केस को लाइटली लेना है। यदि आप पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और आपको या आपके परिवार वालों को बेवजह डीवी केस में पार्टी बनाया गया है, तो आपने इससे निकलना है और इसे सहते नहीं रहना है। और इससे निकलने के लिए आपको हाईकोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि पत्नी की एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट ने आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और वाइफ का इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया है, तो भी आप डीवी केस को खत्म करवा सकते हैं और इंटरिम मेंटेनेंस को बंद करवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम डिस्कस करते हैं केस लॉ एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर देता है। दोस्तों इस केस में पत्नी का व्यवहार अपने पति और साथ के साथ ठीक नहीं था। वो चाहती थी कि पति अपनी माँ से अलग रहे, जो कि पति नहीं कर सकता था। पति ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करी पर वो फिर भी नहीं मानी। अल्टीमेटली पति ने 23 अगस्त 2021 को अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। पत्नी ने इस बात का बदला लेने के लिए तलाक के ठीक एक दिन बाद यानी कि 24 अगस्त 2021 को डीवी एक्ट का केस फाइल कर दिया। उसमें उसने पति और सास दोनों को पार्टी बनाया। पत्नी और उसके रिलेटिव्स ने पति के घर जाकर के उसके साथ मारपिटाई करी और पत्नी और सास को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। पति ने पुलिस में भी कंप्लेंट फाइल करी पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद पति को पता लगता है कि पत्नी ने एक दूसरी डीवी एक्ट की कंप्लेंट फाइल कर रखी थी। पत्नी ने झूठ बोलकर पहली कंप्लेंट विड्रॉ करी थी, ये भी पति को बाद में ही पता लगा। और जैसा आमतौर पर होता है कि केवल पत्नी के एप्लीकेशन के बेसिस पर दूसरी डीवी एक्ट की कंप्लेंट फाइल हो गई और कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया और साथ ही इंटरिम मेंटेनेंस भी फिक्स कर दिया। कोर्ट के नोटिस इशू करने पर और इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करने के खिलाफ पति और सास हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के सामने पति और सास का कहना था कि वाइफ ने डीवी एक्ट के कानून का मिसयूज किया है, उसका अब्यूज किया है। सेम फैक्ट्स और सेम कॉज ऑफ एक्शन पर वाइफ ने एक नहीं दो दो डीवी एक्ट की कंप्लेंट फाइल करी और वाइफ ने पहली डीवी एक्ट की कंप्लेंट विड्रॉ करते हुए भी झूठ बोला कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया था तो दूसरी डीवी एक्ट की कंप्लेंट डालने की जरूरत ही नहीं थी। और तो और पत्नी ने दूसरी कंप्लेंट में पहली कंप्लेंट के बारे में जिक्र भी नहीं किया था। इस तरह ये झूठा केस है और मजिस्ट्रेट ने नोटिस इशू करके और इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स करके गलत किया। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस एक क्रिमिनल केस नहीं है और क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है,
ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, जिसके पास भी डीवीएट का केस चल रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। हाई कोर्ट का कहना था कि पार्टीज के पक्ष को सुनने के बाद यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि पति को बेवजह ही डीवी के केस में घसीटा गया है और पति पर डीवी एक्ट का केस बनता ही नहीं है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास फुल पावर्स हैं डीवी के केस को ख़त्म करने की, या इवन इंटरिम रिलीफ या इंटरिम मेंटेनेंस को ख़त्म करने की। हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि यदि डीवी केस में मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास कर चुके हैं तो भी मजिस्ट्रेट को पावर है अपने ही ऑर्डर को ऑल्टर करने की या इवन रिवोक करने की, यानी कि ख़त्म करने की, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को चेंज या ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए अपील में जाना पड़ता है, हायर कोर्ट में जाना पड़ता है। पर डीवी केस एक क्रिमिनल केस नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास डीवी एक्ट को जड़ से ख़त्म करने की पावर्स हैं और इंटरिम मेंटेनेंस को भी बंद करने की पावर्स हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने पति को डायरेक्शंस दी कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच करे, वहाँ पे अपना पक्ष रखे, ताकि वो अपने डीवी केस को वहाँ पे ख़त्म करा सके और इंटरिम मेंटेनेंस को भी बंद करवा सके। तो इस जजमेंट का सार यही निकलता है कि यदि आपको पत्नी द्वारा डीवी के केस में गलत फंसाया गया है, झूठा फंसाया गया है, तो आप उसे मजिस्ट्रेट के लेवल पर ही आसानी से ख़त्म करवा सकते हैं और वाइफ का इंटरिम मेंटेनेंस भी बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, इस केस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के हिसाब से इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।